कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। सो दोस्तों, आज मैं जिस ऑयल की रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका तरीका बनाने का बहुत ही आसान है, और सामान जो उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं वो इतने कमाल के हैं कि आप उसको तुरंत ही बनाएंगे, जिसमें हमें लॉट्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स मिलने वाला है। गाइस इस पैक को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे साफ सुथरा क्लीन बोल, एंड इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कॉफी पाउडर। तो कोई भी कॉफी पाउडर आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आप इस्तेमाल करते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रू, और पूरा ही कॉफी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे ये पाउडर। सो गाइस ये पाउडर रेडी किया गया है हल्दी से, जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते समय हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। उसी हल्दी को आपको करना है ड्राई रोस्ट और बना लेना है। इस तरीके से पाउडर रेडी हो जाएगा। तो आपको आधा चम्मच के करीब ये पाउडर इसमें ऐड कर देना है, और कॉफी प्लस हल्दी के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कैम्फर। तो आप यहाँ पे पूजा मंदिर में जो आप यूज करते हैं कैम्फर, वो भी ले सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे इस तरह का ट्रांसपेरेंट भीमसेनी कैम्फर कपूर भी ले सकते हैं। आपको इसे क्रश करना है बहुत ही इजीली, ये हाथों से इस तरीके से भी क्रश हो जाता है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करेंगे ज़्यादा तेज तो ये क्रश हो जाएगा। कॉफ़ी की तासीर गर्म होती है, और जो हम इसमें ऑयल ऐड करने जा रहे हैं उसकी भी तासीर गर्म होती है, बट हम इसे बैलेंस में रखने के लिए ऑयल को बिल्कुल भी प्री हीट या फिर गर्म नहीं करेंगे। तो अब आपको इसमें ऐड करना है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, जो कि आसानी से सभी घरों में मिल जाता है। तो आपको मस्टर्ड ऑयल इतना ऐड करना है जितना आपके बालों की लंबाई है, 2 से 3 चम्मच के करीब। और इसके बाद आपको इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद भी आपको कम से कम 10 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ना है, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं पाउडर के रूप में, वो सभी सरसों के तेल में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। गाइस यहाँ पे अच्छे से ऑयल हमारा मिक्स हो गया है सभी पाउडर्स में। आपको इसे अपने बालों में, जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना है, और कम से कम 2 घंटे तक के लिए बालों में लगा करके छोड़ना है, एंड हेयर वॉश कर लेना है। उसके बाद जिस दिन आप हेयर वॉश करेंगे उस दिन आपको 1 दिन पूरा ऐसे ही छोड़ना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू से अगेन से हेयर को वॉश कर लेना है। तो आप इसे लगाएंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें विटामिन है, इसमें मिनरल है, इसमें आपको आयरन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसमें आपको पिगमेंट बूस्ट करने का जो प्रोटीन है वो मिल रहा है, जिससे कि हमारे सफ़ेद बाल की समस्या नहीं होती है और हमारे बाल तेज़ी से बूस्टअप होते हैं, लंबाई बढ़ती है बालों की, और समस्याएँ दूर होती हैं हमारे सफ़ेद बालों की। इस ऑयल को बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, Within 1 week से लेकर के 10 days तक के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू है तो अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि और लोग इसके बेनिफिट ले सके। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।